तक मैं पंकज का रुख कर लेती हूँ। पंकज, क्या मुद्दे हैं जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपनी नई सरकार से वो? बिल्कुल, सीधे वोटरों से ही बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या मुद्दे इनके लिए हैं। साहब, क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? मुद्दे कुछ नहीं है, बस हमारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे बहुत अच्छी। रविंद्र रैना साहब बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम वोट उनको देंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम जिताएंगे उनको। पानी मुद्दा है? पानी मुद्दा है, हमारे जो है पानी आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, चल रहा है पानी, तो बहुत शुक्रिया। चलो ठीक चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, लोकल मुद्दे क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पे कौन सा इशू नहीं है, सब इशूज है। पहले डेवलपमेंट का है, पानी का है, बिजली का है, हमारी बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। हमारे लमेड़ी में भी पानी 6-6 महीने के बाद आता है, लमेड़ी से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे, तो 6 महीने पानी नहीं आता। जी जी जी, ये जो मेरा भाई कह रहा था, इसके घर में लाइन लगे हुए कम से कम 2 साल हो गए लगभग, तो अभी तक पानी नहीं गया, अभी तक पानी नहीं गया वहाँ पे। तो ये है ना कि इनके कहने के अपने मुद्दे हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, तो हमारा वोट होगा बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट पे, और यहाँ के जो भी बिजली पानी के मुद्दे हैं उन पे। आप लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि उम्मीदवार? कोई पार्टी नहीं हमारी, किसी पार्टी को नहीं हम करेंगे, हम उसको वोट करेंगे जो हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, जो हमारे बच्चों का बेरोजगार है वो उनके बारे में सोचेगा, हम उसको वोट करेंगे। हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है किसी पर्सनली बंदे पे, पार्टी पे, वो नहीं हमारा। भाई साहब, आप तो बता रहे थे कुछ है ही नहीं मुद्दे सामने, तो आपके सामने बता दिया। नहीं, वो तो बता रहे हैं, वो उनके मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो हमने बता दिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही बेरोजगारी है कि काम होने चाहिए। हाँ जी। नहीं है बच्चों के पास रोजगार? रोजगार का कम है, नहीं है रोजगार। और क्या इश्यूज हैं लोकल, सड़क बिजली पानी? वो ठीक है। हाँ जी। कैसी सरकार चाहते हैं? जो सरकार आए जो पब्लिक के बारे में सोचे, यहाँ के बेरोजगारी है ज्यादा, उनका हल होना चाहिए। तो जब चुनाव आते हैं नेता, ये देखिए अंदर जा रहे हैं वोट करने के लिए, साहब क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? सर क्या बोले, हमारा हर चीज की सहूलत होनी चाहिए रोड की में। चलिए ठीक है पंकज, आपसे बातचीत आगे जारी रहेगी, अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज 24।